शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। करोड़ों बार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, एक 14 अगस्त को जो वाक़िया हुआ था, मैं कुछ चीज़ें एक दो आपको बताना चाहता हूँ। और जो ख़वातीन टिकटॉकर्स हैं या जो भी टिकटॉक बना रहे हैं या वीडियोज़ बना रहे हैं, मैं उनके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा फेम के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिससे मुआशरा जो है हमारा एक ऐसा नासूर बन जाए जो आने वाले वक्तों में बजाय सुधरने के हम मज़ीद बदतबाही की तरफ चले जाएं। इसका अंजाम हमेशा भयानक होता है। मैं आयशा टिकटॉकर, हमारी मेडिकल लाइन में कुलीग भी हैं, मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन अच्छी स्टाफ नर्स भी थी, हैं भी, मगर इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बेचारी अरूज पे जाते जाते इस वक्त जवाल की तरफ चली गई है। उस पे जो इस वक्त इम्तहान है, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो किस कर्ब में मुबतला है। तो इस चीज़ से मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों को, बाकी ख्वातीन को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि उसकी जॉब बहुत दुख है। 16 ग्रेड की जॉब है जो कम्प्रोमाइज़ हो चुकी है इस वक्त। फिर एक खातून होने के नाते इंसान की, एक खातून की इज़्ज़त होती है, वो भी कम्प्रोमाइज्ड हो गई। तीसरी बात, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो केस की नौीयत ही बदलती जा रही है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसका रुख जो है वो इबरतनाक होता जा रहा है। तो खुदारा मेरी तमाम ऐसी ख़वातीन, ऐसे दोस्त, ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया पे जो लोग काम कर रहे हैं, खुदारा अपनी रोज़ी को हलाल रखें, कुछ ऐसा ना करें, मकसद बनाएं अपनी ज़िंदगी का, कोशिश करें। आप अच्छे लोग अच्छा देखना पसंद करते हैं, आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे मुआशरे का हिस्सा ही नहीं, जो हमारा मुआशरा चाहता ही नहीं। हमारा मुआशरा तो इस्लामी मुल्क पाकिस्तान है। बजाय इसके मैं बहुत सारे ऐसे दोस्त हज़रात को भी माजरत के साथ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इकरार हसन साहब हैं, यासर शामी साहब और इस तरह के बहुत सारे, काइंडली अपन आप माशाल्लाह बहुत मशहूर लोग हैं, आपको अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो आप कर रहे हैं। काइंडली हमेशा कोशिश ये करें कि मेयार पे रहें, गैर मेयारी काम ना करें। आप लोगों की शोहरत एक ऐसी है, मैं समझता हूँ, जिस पर आप लोगों को अल्टीमेटली प्रमोशन मिलनी है। आप ऐसा कुछ ना करें कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सब जितने भी काम करने वाले सोशल मीडिया के लोगों को अल्लाह ताला उनको, मैं समझता हूँ, पॉजिटिव लाइन की तरफ ले जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।